सिर्फ तुम लास्ट एपिसोड उसके ऊपर रिव्यू का सिलसिला नोमी भाई आपकी खिदमत में, और ये है जनाब हमज़ा एक बार फिर ट्राई में, और अबीर से कह रहा है कि तुम मत बाहर जाओ, लेकिन वो ये मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। और आखिरकार हनान जो है वो भी अपनी कोशिश करके नाकाम हो चुका, और अबीर का फैसला अटल कि मैं बाहर जाऊंगी, और वो तैयारी में। और आखिरकार हनान जो है ये कॉल करता है सारा को, और फिर जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वो ऐसे ही रिस्पांस देते हैं जनाब। और आखिरकार हमजाद की एक और कोशिश, और वो पहुंच जाता है जनाब सारा के घर उसको धमकाने कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगी। और ये सारी सूरत हाल अबीर जो है वो भी देख रही है, और आखिरकार हमज़ा ने हमला किया सारा के ऊपर, उसको ज़मीन पे गिराया, उसको चोट आ गई, और ये अबीर उसको तीमारदारी में लगी हुई। और फिर वो फ़ोन करती है हनान को कि आप भी हॉस्पिटल पहुंच जाएं, मैं इधर ही हूँ। और हॉस्पिटल में हनान भी आ जाता है, वो उसकी तीमारदारी कर रहे होते हैं, और सारा की जो माँ है उसका कहना है कि आप दोनों ने ज़रूर आना है, सारा की मंगनी हो रही है, बहुत अच्छे लोग हैं और उनको पता है कि ये तलाक याफ्ता है, तो जो लोग किसी के लिए अच्छा सोचते हैं उनके लिए ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। और यही बात हमज़ा को नज़र नहीं आई, और एक बार फिर वो घर में आके हंगामा शुरू कर देता है कि हनान तुम अबीर को छोड़ दो, मैं इससे शादी करूंगा और बहुत प्यार दूंगा। लेकिन आखिरकार अबीर ने एक और थप्पड़ उसके बूथे पर सीर कर दिया है जनाब, और ये हनान की बीवी अबीर और हनान बहुत खुश सारा की मंगनी के ऊपर, और ये अंगूठी पहनाई जा रही है जनाब। और आखिरी एक्शन अबीर का कि मैं भाग रही हूँ ये समंदर के किनारे, ज़बरदस्त तरीके से एंड किया जनाब। अब्दुल्ला कुतवानी साहब को हम एक बार फिर सैल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने सिर्फ तुम इतना ज़बरदस्त तरीके से फिल्मी अंदाज में पेश किया। थैंक यू वेरी मच।